हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ये याद रखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करिए। नंबर वन एक्सियल पोजिशन, नंबर टू इक्वेटोरियल पोजिशन और नंबर थ्री कोई भी जनरल केस, या यूँ कह सकते हैं कोई भी जनरल पोजिशन। जनरल पोजीशन का यूज़ करके बाद में हमको ये वेरीफाई भी करना होगा कि एक्सियल का फॉर्मूला मैच करता है या नहीं, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मैच करता है कि नहीं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस ध्यान रखिएगा, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। अब सबसे पहले हम एक्सियल पोजीशन कवर करने वाले हैं, यानी कि हम एक डाइपोल कंसिडर करेंगे और एक एम पॉइंट हमने एक्सियल पोजीशन पर कंसिडर किया है। इस एम पॉइंट पर इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आने वाला है ये हमको कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिए, एक डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, दो अनलाइक चार्जेस होते हैं, बट दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज पोजीशन ए पे रखा है, दूसरा चार्ज पोजीशन बी पे रखा है। अब एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि जब भी आप डाइपोल कंसिडर करें तो इसमें नेगेटिव चार्ज पहले लेने की कोशिश करें, पॉजिटिव चार्ज बाद में लेने की कोशिश करें। बहुत विशेष बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो अगर आप नेगेटिव चार्ज पहले रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज बाद में रखते हैं, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव सीधे ऐसे ही हो जाता है। ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन हमारा बन जाता है, आप ऐसे कह सकते हो, या एक कन्वीनियंट फैक्टर रहता है। रिवर्स भी कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये फिर भी फार ईजी रहता है। नंबर वन। नंबर टू, अब हमने जो एम पॉइंट कंसिडर करा, सेंटर ऑफ द डाइपोल, यानी कि ध्यान रखिएगा वो टोटल डाइपोल की लेंथ होती है 2a, हाफ लेंथ हो गई a, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, और O पॉइंट से एक्सियल पॉइंट की दूरी हमने कितनी कंसिडर करी, r। अब टोटल अगर ये डिस्टेंस r है, r में से a लेस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एक्सियल पोजीशन का डिस्टेंस बन गया r माइनस a, और नेगेटिव चार्ज और m का डिस्टेंस बन गया, ये देखिए नेगेटिव चार्ज, ये हो गया एक्सियल पॉइंट m, दोनों का डिस्टेंस बन गया r प्लस a। ठीक है, ये याद रखिए। नाउ पोटेंशियल, क्योंकि बहुत एक आसान टॉपिक है, टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई कई सारे चार्जेस गिवन हो, टोटल पोटेंशियल निकालना हो या टोटल वोल्टेज निकालनी हो, डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए। हालांकि प्रॉपर तरीके से इसको हमको बोलना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। रफ ऑर्डर में कई बार हम वोल्टेज या सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल जाते हैं, लेकिन याद रखिए कभी भी आपका वाइवा एग्जाम हो या वैसे थोरो नॉलेज के लिए आप इसको बोलें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नाउ अब टोटल पोटेंशियल हमको निकालना है V1 प्लस V2। कैसे? आप दो चार्जेस कंसिडर कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की पोजीशन है A, पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन है B, तो आप इसको VA और VB ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। के क्यू अपॉन आर, ये जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, लेकिन ए पॉइंट में हमारा कितना चार्ज रखा है, माइनस क्यू, तो मैं इस क्यू को हटा के लिख दूंगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब आर का मतलब डिस्टेंस, नेगेटिव चार्ज से एम का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, आर प्लस ए, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए आर प्लस ए। फिर दूसरा चार्ज जो है वो बी पे रखा है, बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, उसकी दूरी है आर माइनस ए, तो मुझे फॉर्मूला लिखना चाहिए के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ए। नाउ अब अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको शुरू करिए और फिर बाद में मेरे साथ आंसर मैच करिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नाउ अभी क्या करूँगा मैं ऐसे करता हूँ इसको के क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इस टर्म को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी, और इसको हम बाद में लिख लेते हैं के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ए। ठीक है, नाउ टोटल वोल्टेज के और क्यू कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/r - a, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1/r + a। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पर आएगा के क्यू, एलसीएम लिया r² - a², मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये स्टेप, आर प्लस ए और आर माइनस ए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा r² - a², ये r प्लस ए वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, r माइनस ए वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, तो r प्लस ए माइनस r माइनस ए। याद रखिए जब बीच में माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करें, इससे आपको ईजी रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ओवरऑल वोल्टेज की वैल्यू अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे के क्यू, अब ओपन करेंगे हम r प्लस ए माइनस r, माइनस और माइनस हो गया प्लस, माइनस r प्लस ए डिवाइडेड बाय r² - a²
माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू के क्यू ए प्लस ए हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। ये याद रखिए, q इंटू 2a इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय p। अब v इज इक्वल टू k इंटू p डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और k का फॉर्मूला होता है, या k की वैल्यू जो भी आप लगाना चाहें, 1/4πε0 p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ ये हो गया टोटल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। इस एक्सियल पॉइंट पे अगर हम टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इस डाइपोल की वजह से, तो वो आंसर ये आने वाला है। ये फाइनल आंसर हमारा हो गया। अब इसको हम केसेस में डिवाइड कर लें वो आगे की बात है, लेकिन ये फिलहाल हमारा आंसर हो गया यहाँ तक। जनरलाइज न्यूमेरिकल में आप बहुत आसानी से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एम पॉइंट ना बहुत ज़्यादा दूर है। ये डाइपोल तो छोटा सा सेक्शन है, ये है सेक्शन हमारा डाइपोल का। अब ये जो एम पॉइंट है ये इससे बहुत ज़्यादा दूर है, इसका मतलब आर की वैल्यू बहुत बड़ी है ए से। और जब आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो आप ए को इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ए को कंसिडर करेंगे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो ये टोटल पोटेंशियल बन गया 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट इफ दिस एक्सियल पॉइंट इज फार फार अवे फ्रॉम दिस डाइपोल। जनरल फार्मूला ये है, ध्यान रखिएगा, जनरल फार्मूला यही है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल इस तरीके से दिया हो, देखिए अब यहाँ पे ना एक छोटी सी बात सुनिएगा। कई बार क्या होता है, CBSE बोर्ड के पेपर्स में ये चीज़ मैंशन होती है कि डाइपोल बहुत छोटा है, और डाइपोल बहुत छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है, उसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा बड़ी है। कई बार तो वो लिख के देते हैं, लेकिन कई बार ना ऐसी वैल्यूज दे देंगे जिसमें आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और ए की वैल्यू बहुत छोटी होगी। सपोज करिए आर की वैल्यू आपको दे रखी है 100 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू दे रखी है 1/10 सेंटीमीटर। अब ए की वैल्यू बताइए बहुत कम है 100 से, यहाँ पर ए की वैल्यू बहुत कम है। अगर कोई बच्चा ये दोनों वैल्यूज़ के साथ इस फॉर्मूला को यूज़ करेगा उसे प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन करने में। इसीलिए ध्यान रखें कि कभी भी अगर ऐसा केस हो जिसमें आर की वैल्यू ए से बहुत ज़्यादा हो तो उसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर। ठीक है ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर था एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डाइपोल की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।